5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब बात आज की उन दो सबसे बड़ी खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। पहली बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां वोटों की काउंटिंग तो खत्म हो चुकी है लेकिन आज विधायकों की काउंटिंग होनी है। इस काउंटिंग में येदियुरप्पा बाजी मारेंगे या नहीं और उनकी सत्ता बच पाएगी या नहीं, इसका फैसला अब से महज कुछ घंटों बाद हो जाएगा। और आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर इंडिया टीवी संवाद की, जो दिन भर आज जारी रहेगा और मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री अपने कामकाज का लेखा जोखा देंगे और बताएंगे कि मोदी के 4 साल के कार्यकाल में देश का कितना हाल बदला। इनके अलावा विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी इंडिया टीवी के मंच से सरकार के नुमाइंदों से सवाल पूछेंगे। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के भाग्य और भविष्य का फैसला होगा। सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधायकों की शपथ के बाद शाम 4 बजे विश्वास मत पर वोटिंग होगी। बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी कर्नाटक में दो फॉर्मूला पर काम कर रही है। अगर ये फॉर्मूले कामयाब रहे तो येदियुरप्पा की कुर्सी बच जाएगी। कर्नाटक के सियासी नाटक के क्लाइमेक्स का वक्त आ गया है। कौन जीत का जश्न मनाएगा और कौन हार का गम, इसका फैसला बस कुछ ही घंटों बाद आने वाला है। शाम 4 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा और उसका नतीजा यह तय करेगा कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कुमार स्वामी की ताजपोशी होगी। कर्नाटक की बाजी जीतने के लिए बीजेपी दो फॉर्मूलों पर काम कर रही है। कोई भी एक फॉर्मूला चल गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीट है। चुनाव 222 सीट पर हुए हैं, यानी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 112 है। लेकिन जेडीएस नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कुमार स्वामी की वजह से बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। कुमार स्वामी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, लिहाजा एक विधायक की संख्या कम हो गई है। फिलहाल विधायकों की संख्या 221 है, इसलिए बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा है 111 का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा में बहुमत आज साबित होना है, लेकिन बीजेपी ने 24 घंटे पहले ही टाल ठोक कर कह दिया है कि जीत उसी की होगी और शाम में कर्नाटक में जश्न भी मनेगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर बहुमत साबित होगा कैसे। Problem in the house, we are going to be sit very peacefully and we are going to defeat the confidence vote. Yeddyurappa के दावे के बाद सवाल ये उठता है कि बीजेपी अपना बहुमत साबित कैसे करेगी। इस सवाल का जवाब बीजेपी के बनाए दो फॉर्मूले में है। बीजेपी को 104 सीट मिली है, ये बहुमत से 7 कम है। बीजेपी का दावा है कि उसे 12 दूसरे विधायकों का समर्थन हासिल है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 8, जेडीएस के 2 और 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो सभी बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। इस फॉर्मूले के अलावा बीजेपी के वॉर रूम में एक दूसरा फॉर्मूला भी बनाया गया है, ताकि पहला फॉर्मूला अगर काम नहीं कर पाया तो दूसरे के सहारे येदियुरप्पा सरकार की नया पार लगाई जा सके। दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस जेडीएस के 10 विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। 10 विधायक वोट नहीं देंगे तो वोट देने वाले विधायकों की तादाद होगी 211, तब बहुमत का आंकड़ा 106 होगा। बीजेपी के 104 और 2 निर्दलीय विधायकों के वोटों से येदियुरप्पा सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी। बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है शायद उसका ही असर था कि विरोधी खेमे के 2 विधायक बेंगलुरु से गायब हो गए थे और इसका दोष कुमार स्वामी ने बीजेपी पर डाला है। Both of 2 MLAs who have taken by BJP friends, hijacked by BJP friends. Both the 2 MLAs will again join their house. They will come to their house tomorrow morning. कुमार स्वामी ने जिन 2 विधायकों के हाईजैक होने का आरोप लगाया उनके नाम है आनंद सिंह और प्रताप गौड़ पाटिल। इनमें से आनंद सिंह कांग्रेस जेडीएस के धरने में नहीं पहुंचे थे, वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस में आए थे। दूसरे विधायक प्रताप गौड़ पाटिल भी धरने में नहीं पहुंचे थे, उन्होंने पहले कुमार स्वामी का समर्थन किया था, समर्थन वाली चिट्ठी में दस्तखत भी किए थे, लेकिन अचानक वो भी गायब हो गए। कांग्रेस और जेडीएस पिछले कई दिनों से आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी करोड़ों रुपए और मंत्री पद का लालच देकर उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
कल कांग्रेस ने 4 मिनट 37 सेकंड का एक ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटे हैं। दावा किया गया कि कांग्रेस विधायक बसवंत गौड़ा को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए लालच दिया गया। अब देखना यह है कि कांग्रेस जेडीएस के कितने विधायक फ्लोर टेस्ट में बागी होते हैं। आशीष कुमार सिंह और देवेंद्र पराशर के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। सवाल सिर्फ बहुमत हासिल करने का ही नहीं है। गवर्नर ने जिसे प्रोटेम स्पीकर को फ्लोर टेस्ट की जिम्मेदारी सौंपी, उस अंतरिम स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। अब अदालत को फैसला करना है कि प्रोटेम स्पीकर रहेंगे या बदले जाएंगे। कर्नाटक के गवर्नर वजूभाई वाला ने जैसे ही केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई, कर्नाटक में एक और सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस और जेडीएस ने टाल ठोककर कह दिया कि बोपैया उन्हें मंजूर नहीं है, और रात होते होते मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बोपैया को नियमों के खिलाफ पद मिला है। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। कांग्रेस जेडीएस की दलील है कि सबसे सीनियर सदस्य को यह पद देने की परंपरा है। जवाब में बीजेपी ने कहा कि 2008 में भी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। कांग्रेस सीनियरिटी के आधार पर आरवी देशपांडे को यह पद देने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी की दलील है कि 10 साल पहले प्रोटेम स्पीकर बन चुके बोपैया पर सवाल उठाना ठीक नहीं। प्रोटेम स्पीकर अनाउंस्ड बाय गवर्नर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ येडियुरप्पा रिगार्डिंग दैट स्पीकर ऑलरेडी इन 2010 सुप्रीम कोर्ट पासड स्ट्रिक्चर अगेंस्ट हिम हाउ ही मिसयूज्ड द स्पीकर ऑफिस दैट बैकग्राउंड is there with Bopaiah, that kind of person, this governor has again encouraged him to do the illegal decisions on the floor. आम तौर पर प्रोटेम स्पीकर का काम विधायकों को शपथ दिलाने का होता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बोपैया को फ्लोर टेस्ट भी कराना है, और कांग्रेस जेडीएस को डर है कि बोपैया कहीं पक्षपात न कर दे। हमने औपचारिक रूप से लिख के दे दिया है कि ये उदाहरण है आपके 50 कि आपने सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त किया है, उसको कृपा आप फॉलो करें। और अगर संसद में और असेंबलीज में दशकों से ये प्रथा चली आ रही है, तो उसमें आपको उसका उल्लंघन करने का कोई तथ्य नहीं बनता। 2008 में जब ठाकुर साहब यहाँ राज्यपाल थे, तब उन्होंने भी बोपैया जी को प्रोटेम स्पीकर किया था, तब तो कांग्रेस चुप रही। आज कैसे आपत्तिजनक हुआ? बीच में 10 साल उनका अनुभव बढ़ा, वो स्पीकर भी 3 साल रहे। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर विराजपेट विधानसभा से विधायक बोपैया का वो कौन सा अतीत है जिसकी वजह से कांग्रेस जेडीएस को उनके नाम पर एतराज है। बोपैया 2008 में हुए चुनावों के बाद प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। सरकार बनने के बाद वो विधानसभा के स्पीकर चुने गए। 2010 में अवैध खनन मामले में कुछ बीजेपी विधायकों ने ही अपनी ही सरकार का विरोध किया था। स्पीकर बोपैया ने 11 बागी और 5 निर्दलीय विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोपैया के इस फैसले को गलत ठहराया था। एक तो बोपैया का अतीत और दूसरा उनका येदियुरप्पा का बेहद करीबी होना कांग्रेस जेडीएस के गले नहीं उतर रहा। बोपैया आज फ्लोर टेस्ट कराते हैं या उनकी जगह किसी और को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, इसका फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो बीजेपी बहुमत साबित करने का दावा कर रही है। कांग्रेस और जेडीएस को अपने विधायकों के खेमे में सिंध की फिक्र सता रही है। तभी तो उन्हें ऐसे पहरे और पाबंदियों में रखा जा रहा है कि बीजेपी नेता तो दूर, बीजेपी का नाम भी उन तक न पहुंच पाए। कांग्रेस और जेडीएस हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपने विधायकों को बीजेपी के खेमे में जाने से रोक सके। बीजेपी के किले को गिराना है और खुद के किले को सेन से बचाना है, तभी तो जेडीएस और कांग्रेस ने अपने विधायकों की लंबी चौड़ी परेड कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह हैदराबाद के उसी होटल की तस्वीर है जहां 600 किलोमीटर का सफर करने के बाद कांग्रेस और जेडीएस के विधायक शुक्रवार सुबह ही पहुंचे थे, लेकिन 10 घंटे के बाद ही फिर बेंगलुरु के लिए निकलना पड़ गया। विधायकों की पूरी फौज के साथ खुद कुमार स्वामी भी मौजूद थे। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को हैदराबाद के 5-स्टार होटल ताज हयात और ताज कृष्णा होटल में ठहराया गया था।
दोपहर बाद सिद्धरमैया भी हैदराबाद अपने विधायकों से मिलने पहुंचे। थोड़ी देर बाद कुमार स्वामी भी आ गए। होटल में इस कदर इंतजाम थे कि किसी को विधायकों से बात करना तो दूर, करीब जाने की इजाजत तक नहीं थी। हैरानी की बात तो यह थी कि सबसे पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक को इगल्टन रिजॉर्ट में ठहराया गया और जेडीएस विधायकों को शंग्रीला होटल में। इसके बाद विधायकों को कोची शिफ्ट करने की बात कही गई, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को बस में बैठाकर हैदराबाद ले जाया गया। कांग्रेस और जेडीएस के विधायक 5-स्टार होटल में ठहरे हुए थे और बाहर तरह तरह की खबरों का दौर चलता रहा। पता चला कि सभी विधायकों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए। विधायकों को 4, 5, 6 और 7 के ग्रुप में बांटा गया। हर ग्रुप पर नजर रखने की जिम्मेदारी एक MLC और सांसद को दी गई। लेकिन विधायकों पर सख्ती की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, विधायकों को सख्त हिदायत भी दी गई। खासतौर से लिंगायत विधायकों पर कड़ी नजर है। किसी भी विधायक को बेवजह फोन रखने की इजाजत नहीं दी गई। आदेश है कि घर वालों के साथ MLC के सामने ही बात करनी होगी। इसके साथ ही विधायकों को TV देखने की इजाजत तो मिली, लेकिन फ्लोर टेस्ट होने तक न्यूज चैनल देखने की मनाही है। अब कांग्रेस जिस BJP पर विधायकों को हाईजैक करने और खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही थी, वो BJP अब कांग्रेस पर ही अपने विधायकों को बंधक बनाने का इल्जाम लगा रही है। उनका MLA वो कैप्टिविटी में रखा है। Why they have kept them in house arrest almost? And why they are telling हम कोच्चि को लेकर जा रहे हैं, ऐसे बोल के they are taking them to हैदराबाद। फिलहाल कांग्रेस और JDS के सभी विधायक अब हैदराबाद से बेंगलुरु लौट चुके हैं, जहां आज प्रोटेम स्पीकर पहले सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर शाम 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटक के सियासी जंग के फाइनल इम्तिहान से पहले हर दांव आजमाया जा रहा है। कांग्रेस और JDS जानती है कि जरा सी चूक भी आज शाम होने वाले फ्लोर टेस्ट में भारी पड़ सकती है, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। आशीष कुमार सिंह और देवेंद्र पराशर के साथ T. राघवन, इंडिया TV, बेंगलुरु।